चलिए यहाँ फैट्स के बारे में देखिए, फैट्स आर आल्सो एनर्जी गिविंग फूड कंपोनेंट्स। फैट भी, फैट्स क्या होते हैं? एनर्जी गिविंग फूड कंपोनेंट्स होते हैं। मीन्स हम फैट को बोल सकते हैं मोर सोर्स ऑफ एनर्जी। क्लियर है? नेक्स्ट है, ये हमारे बॉडी को स्ट्रांग बनाते हैं, मेक द बॉडी स्ट्रांग। अच्छा चलिए ये बताइए फैट्स के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो फैट्स के कंपोनेंट्स क्या हैं? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है। क्लियर है? अच्छा नेक्स्ट है, ये क्या करते हैं? सेम अमाउंट ऑफ फैट, मतलब सेम अमाउंट ऑफ फैट प्रोवाइड्स मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। मीन्स क्या होते हैं, जो फैट्स होते हैं ये ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और कार्बोहाइड्रेट से, क्योंकि हमारे बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? एक तो कार्बोहाइड्रेट्स और एक फैट। तो फैट ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है और कार्बोहाइड्रेट कम करता है। क्लियर है? चलो अभी इतना क्लियर है। अभी यहाँ पर देखते हैं कि फैट्स किस में पाया जाता है। तो देखो फैट्स जो हैं एनिमल से भी प्राप्त, देखो फैट इसलिए ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं क्योंकि ये क्या होते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। क्लियर है? अभी यहाँ देखो, फैट्स एनिमल से भी प्राप्त होते हैं और प्लांट से भी, दोनों से भी। कौन कौन से हैं? घी, फैट्स के एग्जांपल क्या है? घी, ऑयल, बटर, मिल्क, मीट, ये सब क्या हैं? कॉमन फूड्स कंटेनिंग फैट्स। ये सब कॉमन फूड्स हैं जो कि क्या कंटेन करते हैं? फैट को कंटेन करते हैं, है ना। नट्स भी हैं यहाँ पर देखिए, कौन कौन से? घी, ये सब फैट्स हैं, है ना, फैट्स कंटेनिंग फूड। घी, बटर, ऑयल, मीट, मिल्क प्रोडक्ट जितने भी हैं सब फैट्स कंटेन करते हैं और क्या है? नट्स हैं। क्लियर है? हाँ, ये सब खाकर मोटे हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा अगर एक्सेसिव मात्रा में हो गया तो लोग मोटे हो जाते हैं। क्लियर है? अभी इतना क्लियर है। और हाँ एक चीज़ और, जो फैट्स होते हैं ना ये ग्रीजी टू टच, टच करने में क्या होते हैं? ग्रीसी होते हैं। अच्छा ये बोलो अभी एग्जांपल यहाँ ज़्यादा ज़रूरी है, फैट्स के कौन कौन से एग्जांपल हैं इसमें? कौन कौन से हैं? घी, बटर, ऑयल, मीट, मिल्क प्रोडक्ट, नट्स। और फैट्स क्या होते हैं? मोर मिल्क प्रोडक्ट में बटर हो गया, चीज़ हो गया, है ना, जो भी मिल्क से बनी होती है, आइसक्रीम भी बिल्कुल होंगी। क्लियर है? क्लियर है? अभी इतना समझ में आया? बोलो। और हाँ एक, फैट्स क्या होता है? मोर सोर्स ऑफ एनर्जी होता है और कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? लेस देन सोर्स ऑफ एनर्जी देन फैट्स। चलिए अभी इतना क्लियर है, नेक्स्ट आ जाइए विटामिन्स में। ओके विटामिन्स में आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं विटामिन्स। तो विटामिन्स आपका नेक्स्ट जो है न्यूट्रिएंट्स है। ये विटामिन्स क्या होता है? तो जैसे देखो जो विटामिन्स होता है, देखो जो विटामिन्स होता है ये क्या करता है, ये क्यों जरूरी है? यहाँ देखो, फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग एंड गुड हेल्थ ऑफ द बॉडी। विटामिन्स इज इसेंशियल फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग एंड गुड हेल्थ ऑफ द बॉडी। अच्छा एक चीज़ और, ये सब होते हैं। दूसरा नंबर, विटामिन्स मेन काम क्या करता है? तो विटामिन्स काम करता है कीपिंग आवर आइज, देखो हमारे आइज को, टीथ को, स्किन को, बोन्स को, इन सबको हेल्दी बनाता है। क्लियर है? विटामिन्स आल्सो प्रोटेक्ट आवर बॉडी अगेंस्ट मैनी डिजीज। अब हमारे बॉडी को डिजीज से बचाने का काम कौन करता है? प्रोटीन्स करता है, विटामिन्स करता है। क्लियर है? अब यहाँ विटामिन्स डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, के, विटामिन एफ नहीं होता है ना, ए बी सी डी ई और के होता है। क्लियर है? अब यहाँ देखो, अब क्या होता है यहाँ पर, सुनो अभी ध्यान से। पहले डेफिशिएंसी डिजीज, जैसे अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो विटामिन ए, देखो यहाँ विटामिन ए काम क्या करता है, विटामिन ए काम करता है कीप्स स्किन एंड आइज, यानी कि स्किन को और आइज को हेल्दी रखने का काम कौन करता है? विटामिन ए। अगर विटामिन ए की प्रॉब्लम है तो समझ लो आई प्रॉब्लम और स्किन प्रॉब्लम होगी। क्लियर है? विटामिन बी, विटामिन बी होता है ग्रुप ऑफ विटामिन, है ना, कॉम्प्लेक्स बी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आता है ना, तो ये क्या करता है? प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ नर्व्स एंड मसल्स के प्रॉपर फंक्शनिंग में हेल्प करता है। विटामिन सी क्या करता है? ब्लड वेसल्स को बनाए रखता है, टीथ के लिए जरूरी, गम्स के, इन सबको हेल्दी रखता है, हील्स, कट्स, है ना, और इंजरीज में विटामिन सी काम करता है। विटामिन डी क्या करता है? हमारी बोन्स को मजबूत बनाने का कौन विटामिन काम करता है? विटामिन डी करता है। अब यहाँ विटामिन ए किस में पाया जाता है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब खाया करो विटामिन ए, ध्यान दो क्या चीज़ ज़्यादा खाओ। विटामिन ए किस में पाया जाता है? पपाया, मिल्क, मैंगो, कैरेट,
है ना। विटामिन बी किस में पाया जाता है? ग्रीन वेजिटेबल्स, एग्स, मिल्क, होल सीरियल्स। होल सीरियल्स का मतलब सारे अनाज वाली, जैसे राइस हो गया है ना, हाँ ये सीरियल्स हो गए, भुट्टा नहीं बोलते इसको, कॉर्न बोलते हैं ना। चले विटामिन सी में क्या है? ऑरेंज है, ग्वावा है, टोमेटो, आंवला, लेमन है ना, जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं, खट्टे फल होते हैं, सब विटामिन सी। विटामिन डी किस में पाया जाता है? मिल्क में, बटर में, एग्स में और फिश में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। अब ये देखो, ये सब क्या है? विटामिन ये सब क्या है? विटामिन के सोर्स हैं। तो विटामिन के सोर्स नेक्स्ट देखिए, ये सब क्या है? सोर्सेस ऑफ विटामिन हैं। कौन कौन से हैं? पपाया, मैंगो, कैरेट, मिल्क, बोलो कौन कौन से हैं? एग्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, सीरियल्स, ऑरेंज, ग्वावा, टोमेटो, आंवला, लेमन, फिश। ये सब क्या? फूड आइटम्स कंटेनिंग विटामिन। कौन कौन से हैं? पपाया, मैंगो, कैरेट, मिल्क, एग्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, सीरियल्स, ऑरेंज, ग्वावा, टोमेटो, आंवला, लेमन, फिश। क्लियर है। अब मिनरल्स में आ जाओ। मिनरल्स क्या करता है? तो देखो, मिनरल्स में कौन कौन से, मिनरल्स काम क्या करता है पहले ये समझो। तो मिनरल्स जो होता है ना, मिनरल्स ये देखो, यहाँ पर देखो दिया गया है, मिनरल्स में कौन कौन आता है? मिनरल्स में आपका आता है आयरन आता है ना, कैल्शियम आता है, और क्या आता है? पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, आयोडीन, ये सब मिनरल्स। मिनरल्स जरूरी क्यों होते हैं? फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड फंक्शनिंग, है ना, ये प्रॉपर ग्रोथ और फंक्शनिंग के लिए क्या होते हैं? इसेंशियल होते हैं। क्लियर है अभी, बोलो इतना क्लियर है? ये बहुत ज़्यादा हमारे बॉडी को बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं। दे आर आल्सो नीडेड बाई बॉडी वेरी स्मॉल क्वांटिटी, ये वेरी स्मॉल क्वांटिटी में नीड होता है, बट आर एक्सट्रीमली इसेंशियल, लेकिन ये बहुत ज़्यादा क्या होते हैं? इसेंशियल होते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका, यहाँ देखो फॉस्फोरस, फॉस्फोरस ये सब मिनरल हैं। फॉस्फोरस क्यों इंपॉर्टेंस है? बिल्ड्स स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ, ये बोन्स और टीथ को क्या करते हैं? स्ट्रॉन्ग करते हैं। कैल्शियम क्या करते हैं? ये ब्लड के क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, है ना, बोन्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं, ब्लड को क्लॉट करने में, है ना, और टीथ को स्ट्रॉन्ग करते हैं। और आयरन क्या हेल्प करता है? ये आयरन फॉर्म्स ब्लड, आयरन क्या करता है? ये ब्लड को बनाता है, है ना। आयोडीन क्या करता है? प्रिवेंट्स गोइटर, मतलब गोइटर एक डिजीज होता है, यहाँ पर होता है, क्लियर है, उससे जो है इसका बचाव करता है। क्लियर है अभी, बोलो इतना क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न कर लेना। नेक्स्ट है देखो, यहाँ कैल्शियम किस में पाया जाता है? मिल्क एंड एग्स में पाया जाता है। पोटेशियम किस में? दाल और फिश में। आयरन किस में पाया जाता है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में और एप्पल में। सोडियम एंड क्लोरीन किस में पाया जाता है? कॉमन साल्ट में। फास्फोरस किस में? बनाना और मिल्क में। आयोडीन किस में? फिश और आयोडाइज्ड साल्ट, मतलब ऐसा साल्ट जो आयोडीन से क्या हो, हाँ आयोडीन से मिक्सअप हो। अब यहाँ देखो, ये ओवरऑल है क्या है? सोर्सेस ऑफ मिनरल्स, जैसे साल्ट हो गया, दाल हो गया, एग्स हो गया, फिश हो गया, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड, है ना, और यहाँ बनाना हो गया, एप्पल्स हो गया। ग्रीन लीफी मीन्स हरी सब्जियाँ, क्लियर है, हाँ जो क्लियर है, लीफी युक्त हम, मतलब बहुत सारे पत्ते हों उसमें, जैसे ये क्या है? ये कैबेज ही तो है। चलिए अभी इतना क्लियर है। अब यहाँ पर फूड देखिए, फूड देखिए, क्या नहीं समझ में आया इसमें बेटा? ये सब सोर्सेस आप हो क्या हैं? सोर्सेस आप क्या, ये इसमें देखो, इसमें कोई चीज़ समझने वाली नहीं, याद करने वाली। जैसे आपको ये देखना है कि कैल्शियम किस में पाया जाता है? कैल्शियम किस में पाया जाता है? मिल्क और एग्स में। पोटेशियम किस में पाया जाता है? दाल और फिश में। आयरन किस में पाया जाता है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में। सोडियम क्लोरीन कॉमन साल्ट में। यहाँ पर क्या है? यहाँ आयोडीन क्या काम करता है? तो ये ग्वाइटर से प्रिवेंट करता है। आयरन क्या काम करता है? ग्वाइटर डिजीज होता है ना, इसको हिंदी में कहते हैं घेंघा रोग कहते हैं, ये इसके पास होता है। नेक्स्ट है आयरन, आयरन क्या करता है? ये फॉर्म्स ब्लड, ब्लड को बनाता है। कैल्शियम क्या करता है? ये ब्लड के क्लॉट में हेल्प करता है, ब्लड को रोकने में, थक्का बनाने में, क्लियर है। और यहाँ पर बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है और टीथ को स्ट्रॉन्ग करता है, क्लियर है। फास्फोरस जो है बोन्स और टीथ स्ट्रॉन्ग करता है, क्लियर है। अभी ये हो गया आपका। अब रफेज क्या क्या होता है देखिए, अब यहाँ पर एक ऐसे ये देख लीजिए, बॉडी बिल्डिंग फूड में कौन कौन से आते हैं? चीज, कौन कौन से हैं? चीज, पल्सेज, मिल्क, एग्स, फिश।
तो बॉडी बिल्डिंग फूड्स कौन होते हैं? जो प्रोटीन जिसमें पाया जाता है ना, प्रोटीन रिच फूड्स जैसे फिश, एग, मिल्क, पल्सेज और चीज है। प्रोटेक्टिव फूड में मतलब हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करते हैं? विटामिन्स और मिनरल्स। कौन कौन से हैं? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एग, मिल्क एंड फिश। कौन कौन से? यहाँ देखो, फिश है, मिल्क है, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स एंड एग्स हैं। क्लियर है? अभी यहाँ पर एक ये देखो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ है। जैसे विटामिन ए के है ना डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज होता है? लॉस ऑफ विजन, मींस देखने की शक्ति कम हो जाती है विटामिन ए की कमी से। इसका सिम्टम्स क्या है? पुअर विजन है ना, नाइट ब्लाइंडनेस, रात में नहीं दिखेगा। और इसका सोर्स क्या है, किस में पाया जाता है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कैरेट, पपाया, फिश लीवर ऑयल में। विटामिन बी वन है ना, से बेरी बेरी डिजीज होता है। इसमें कैसे पता चलेगा? मसल्स वीक हो जाएंगे है ना, और काम करने के लिए बहुत कम एनर्जी होंगी है ना। सोर्स क्या है? मीट, एग्स है ना, होल ग्रेन्स और मिल्क। अभी यहाँ देखो, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से अस्कर्बी डिजीज, इसमें क्या होता है? ब्लीडिंग गम्स, गम्स से ब्लीड होता है, खून आता है ना। सोर्स क्या है? सिट्रस फ्रूट्स, आंवला और टोमेटो। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स होता है। सिम्टम क्या है? बोन्स जो है सॉफ्ट और वीक हो जाती हैं, बोन्स बेंड हो जाती हैं। हाँ, और इसके लिए सोर्स क्या है? फिश लीवर ऑयल है ना, फिश का लीवर ऑयल, मिल्क है, सनलाइट है। सनलाइट देखो फ्री ऑफ कॉस्ट देता है सनलाइट विटामिन डी। कैल्शियम क्या करता है? कैल्शियम की कमी से वीक बोन्स हो जाते हैं, टीथ भी बोन्स हो, सॉरी बोन्स और टीथ दोनों वीक हो जाते हैं है ना। और सिम्टम्स क्या हैं? बोन्स वीक होंगे और अर्ली टूथ डिस मतलब स्टार्टिंग में ही ये टूथ डिसी का प्रॉब्लम हो जाएगी है ना। सोर्सेस क्या हैं इनका? तो इसका सोर्सेस है मिल्क है, मीट है, लीफी वेजिटेबल्स, आयोडीन। अगर मतलब हमें ये सब नहीं चाहिए तो हमें ये सब खाने पड़ेंगे। हाँ बिल्कुल, अगर डिजीज नहीं चाहिए तो खाओ, डिजीज कमी अगर ये सॉरी विटामिन्स की कमी हुई तो ये डिजीज हो। जैसे आयोडीन की कमी से गोइटर होता है, इसमें स्वेलिंग इन नेक, देखो नेक इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड का, ये स्वेल, स्वेल मीन्स होता है सूजन होता है ना, मेंटल डिसेबिलिटी, दिमाग से डिसेबिलिटी। और यहाँ आयोडाइज्ड साल्ट खाना चाहिए। आयरन, आयरन की कमी से क्या होता है? एनीमिया। आयरन की कमी से क्या होता है? एनीमिया। इसमें क्या होता है? वीकनेस आ जाता है। खाना क्या चाहिए इसके लिए? क्या चाहिए? मीट, एग, स्पिनेच। क्लियर है? स्पिनेच ये मोर सोर्स ऑफ आयरन है। क्लियर है? तो अभी के लिए इतना रखा जाए। क्लियर है ना? ओके।